फ़ायदा चाहते पे सो इना को इतें ही ऐसा तो कुछ यूजफुल लिंक्स दिखे ने हैं बेहतर है कि इमिग्रेशन अप्लाई करण को पहले उन लिंक्स को फ़ायदा हासिल कर खिनो जी नाज़रीन यकीनन तुसा ये लिंक्स नोट करके दे होसन और मैं थको बलावला दसेनिया बेहतर होसी किसी दे तरीके नाल गिया वने वीजे वास्ते अप्लाई भी करें दे पैवे एडी एफर्ट भी करें दे पैवे तो बजाय दे कि ओ जाया थी वने तुसा कह ना कह तरीके ओ रास्ते ते वनो जेड़ा थको सही तरीके नाल गाइड कर सके जी आसिफ साहब आपने देखे यूजफुल लिंक्स हम यकीनन इस तरह के लिंक्स जो हैं हमारे नाज़रीन को बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगे और बजाय इसके जो अब तक केसेस हमारे कुछ ईमेल्स भी ऐसी आई हुई थी हमें तो इससे बच जाएंगे हमारे पास एक ईमेल है हम पहले उसको देख लेते हैं हमारे हमें ईमेल किया है सरफराज ने मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूं और मैं अमेरिका में सेटल होना चाहता हूं और मेरे दो बेटे हैं एक ACCA कर रहा है और दूसरा ओ लेवल्स और क्या हम सब वहां एडजस्ट हो सकते हैं और दूसरा इसने एक सवाल में एक ईमेल में दो क्वेश्चन किए हैं कि हम सब वहाँ एडजस्ट हो सकते हैं विद दीज कैटेगरीज मतलब जो बताई है कि ACCA और लेकिन उन्होंने ये भी पूछा है कि इस सब में टाइम कितना लगेगा वेल अब देखना यह है कि ये किस क्लास में अप्लाई करते हैं पहली बात तो यह कि अगर इनको ये एक डॉक्टर हैं अगर इनको इनका लाइसेंशियर एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं अमेरिका के लिए तो उनको वहाँ से जॉब ऑफर हो सकती है एच वीज़ास की कैटेगरी ऐसी मौजूद है जिसमें एज ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर जा सकते हैं और इनको और इनकी फैमिली को भी वो वीज़ा मिल सकता है और उसके बाद अल्टीमेटली इट कैन लीड टू ग्रीन कार्ड एज वेल एक खास ड्यूरेशन तक वहाँ रहेंगे तो इनको ग्रीन कार्ड भी उसकी बेसिस पे मिल सकता है लेकिन अगर ये समझते हैं कि इनको पहली बात तो लाइसेंशियर एग्जाम इनका क्वालिफाइड नहीं या जॉब ऑफर वहाँ से नहीं मिल सकती तो फिर इनके पास ऑप्शंस रह जाती हैं सिर्फ इन्वेस्टर्स क्लास में कि ये एक खास E1 की डिफरेंट कैटेगरी जैसे कि मैंने आपको बताया E की डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसमें अगर ये अमाउंट इन्वेस्ट करें $5,00,000 $10,00,000 डिफरेंट लेवल्स हैं उसके अगर ये वो इन्वेस्ट कर लेते हैं और उस क्लास में अप्लाई करते हैं तब भी इनकी इमिग्रेशन हो सकती है लेकिन अदरवाइज जनरल वो जैसा कि मैंने बताया कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम चूंकि एग्जिस्ट नहीं करता दो ही ऑप्शन हैं या तो ये जॉब ऑफर मिल जाए इनको वहाँ से प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल चले जाएं और विच कैन लीड इनटू ग्रीन कार्ड एज वेल ग्रीन कार्ड की तरफ ले जाएगा ये ट्रैक पे इनको ऑफिशियली एंड लीगली दूसरा वो इन्वेस्टर्स के तौर पे जा सकते हैं वहाँ अच्छा आज तक मतलब जो पाकिस्तानी यहाँ से जा रहे हैं वहाँ पे USA में उनको फिर वो कोई कल्चरल कंस्ट्रेंट कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम कुछ ऐसा तो नहीं फेस करना पड़ता कल्चरल कंस्ट्रेंट इसलिए नहीं आएंगे ये अर्बन जितने लोग इमिग्रेशन जो कंट्रीज ऑफर कर रहे हैं उन सब में एक चीज कॉमन है मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं क्योंकि अब पिछले दो प्रोग्राम जो हुए जिसमें कनाडा था जिसमें ऑस्ट्रेलिया था तो मैंने आपको बताया मल्टी कल्चरल तो लोग कहेंगे यार हर एक ही मल्टी कल्चर ये है जो लोग इमिग्रेशन दे रहे हैं जो लोग लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं वो नेचुरली मल्टी कल्चरल हो जाते हैं अमेरिका के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि जो ओरिजिनल अमेरिकन हैं या हवाइयंस हैं हवाई आइलैंड के ये तो हैं ही बहुत कम जितने अमेरिकन मेजोरिटी यानी उस माइनॉरिटी के अलावा जितने अमेरिकन हैं वो खुद या उनके आबाओ अजदाद पिछली 5 सदियों में माइग्रेट करके गए हैं ही इमिग्रेंट्स सारे माइग्रेट करके गए तो मुस्लिम्स के लिए भी वहां कोई ऐसे इशू नहीं मुस्लिम्स की एक बहुत बड़ी तादाद वहां मौजूद है कल्चरल इश्यूज नहीं है देखें जाहिर है मल्टी कल्चरल है डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कल्चर्स हैं आपको अपनी मतलब की चीज़ें अपनी नीड के मुताबिक मिल जाती हैं फूड मिल जाता है ड्रेस का कोई ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन इस वाले अच्छा, से एरिया वाइज भी मतलब कोई कैटेगरीज हैं कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स जो जा रहे हैं वहां पर कुछ किसी खास एरिया में सेटल डाउन हो नहीं हरगिज नहीं भी सेटल हो सकते हैं कोई इशू नहीं है अच्छा मतलब ये अच्छा है कि यहाँ से जाने के लिए उनको किसी तरह का कोई मुश्किल नहीं है वहाँ पे USA में एडजस्ट होना इजी है USA में देखें वो तो जाहिर है मतलब जो लोग लीगली जा रहे हैं उनको राइट्स मौजूद हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए स्टेट मौजूद है पूरा मैकेनिज्म मौजूद है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आप हमारे USA की इमिग्रेशन के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे मैं चाहूंगी आज आप उनको थोड़ा सा गाइड भी कर दें कि किस तरीके से उनको वीजा अप्लाई करना चाहिए वेल मैं यही कहूंगा कि जो लोग USA माइग्रेट करना चाहते हैं माइग्रेशन की जो ऑप्शंस हैं वो मौजूद हैं पहली बात तो है कि उनको हमेशा लेजिटिमेट तरीकों को ऑप्ट करना चाहिए बजाय किसी ऐसे रूट से जाएं जो कि इलेजिटिमेट हो और उसमें प्रॉब्लम में आ सकते हैं वो लोग और लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं वो लोग अगर स्किल्ड लोग हैं अगर वो लोग क्वालिफाइड लोग हैं प्रोफेशनल्स हैं
یا وہ بزنس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, لیجیٹیمیٹ آپشنز ان کے لیے موجود ہیں. بزنس کلاس کے لوگ انویسٹمنٹ میں بھی جا سکتے ہیں یا ایکسٹینشن آف بزنس کے طریقے سے بھی جا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف بہت بڑی انویسٹمنٹ نہ ہو تو وہ نہیں جا سکتے. ایل کیٹیگری موجود ہے وتھ نو انویسٹمنٹ اور وتھ منیمم انویسٹمنٹ, وہ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ان کا بزنس ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے. لیکن اگر ان کا بزنس ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن ان کے پاس اچھی اماؤنٹ 5-10 لاکھ ڈالرز جو کوئی انویسٹ کر سکتے ہیں وہ موجود ہے تو وہ انویسٹرز کیٹیگری میں بھی جا سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ دے شوڈ گو فار لیگل ویز. بہت شکریہ آصف صاحب, آپ سے بہت اچھی اچھی باتیں رہی, بہت ساری مفید چیزیں اور نئی معلومات بھی ہمیں ملی. ناظرین یقیناً تسان دا پروگرام انجوائے کیتا ہوسی. یو ایس اے دی امیگریشن دے حوالے نال بہت ساری نئی معلومات بھی ساکو ملن, میں کو بھی ایکول پہلے نہیں پتا ہوئی اور یقیناً تساں کو بھی بہت ساری شیئیں دے وچ ملے ہوسن. سارے ویزا ایکسپرٹ نے یہ ضرور سجیسٹ کیتا ہے کہ تساں لیگلی اپلائی کرو, بجائے دی کہ فیک ویز دے وچ ونو تھار کو اسی یوزفل لنکس وی دے ریتن. بہتر یہ ہو سی کہ بجائے دے تھارا کینسل تھی ونے ویزا اور تساں اپلائی کرو اور کوئی فائدہ بھی نہ تھی وے اتنے لمبے پروسیجر دا, تو تساں لیگلی او کو اپلائی کرو. ڈاکومنٹس پورے ہونے چاہیے دین, پروسیجرز فالو کرو, انہاں دی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرو. امید نہ لیں کہ تساں ای پروگرام کو انجوائے کیتا ہو سی. اپنا فیڈ بیک ساکو دے وے راندے, سارے کوئی بھی کیوریز ہوویں تساں سارے نال رابطے رہ سکتے وے, سارے نال ایشوز کو ڈسکس کر سکتے وے, اور اگر تھوڑے کول بھی کوئی انفارمیشن ہے تو سارے نال ضرور شیئر کرو. اساں اپنے اگلے پروگرام وچ گال کرے سوں حج دے بارے وچ. میرے بہت سارے بھینی بھرا تیار ہیں حج واسطے اور اساں انہاں کو گائیڈ کرے سوں. تساکو کوئی انفارمیشن چاہیے دیے, تساں کوئی مسئلے تے ڈسکس کرنا چاہندے وے, تساکو ضرور میسج کرے. تساکو میسج بھی کر سکتے وے, ای میلز بھی کر سکتے وے. سارے فیڈ بیک دا تساکو انتظار راسی. اسے امید نال کہ تساں اپنا بہت خیال رکھ سو. نایا بلوچ کو اجازت دیو, خدا حافظ.